हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो पार्ट वन में हमने 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक का आधा करंट अफेयर्स फिनिश कर लिया था। बाकी का जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स है वो हम इस सेशन में शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो एशियन गेम्स हैं वो शुरू हो गए हैं। कहाँ शुरू हो गए? चाइना। चाइना का एक शहर है हांगजू, वो होस्ट कर रहा है इस साल एशियन गेम्स को। तो जो इंडियंस हैं, इंडिया का जो दल है, इंडिया की जो टीमें हैं, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो भी वहाँ पार्टिसिपेट करने गए हैं। और इंडिया के लिए गुड न्यूज़ आ रही है वहाँ से, ठीक है। तो अभी हाल ही में इंडिया ने जैवलिन थ्रो में है ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। गोल्ड मेडल के साथ साथ सिल्वर मेडल भी जीता है, यानी कि इस बार जो मेंस जैवलिन थ्रो है उसमें गोल्ड के साथ सिल्वर भी आया है। यानी कि जो पोडियम होता है 1 2 3, वहाँ पे दो पोडियम पे सिर्फ इंडियन का कब्जा है। तो कौन कौन इंडियन हैं जिन्होंने मेंस जैवलिन थ्रो में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। हाल ही में आयोजित एशियन एशियन गेम्स में किन एशियन गेम्स में पुरुष जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में किन दो भारतीयों ने ने स्वर्ण एवं रजत पदक जीते हैं? ठीक है। तो पहला जो मेडल है वो जीता है ऑफ कोर्स नीरज चोपड़ा, एवरीबॉडी नोज हिम, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? स्वर्ण जीता है, गोल्ड जीता है, ठीक है। इसके अलावा किशोर कुमार जैना, किशोर कुमार जैना, इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है। इन्होंने गोल्ड जीता है, इन्होंने सिल्वर जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और किशोर कुमार जैना ने रजत जीता है। अगर एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा इससे रिलेटेड कोई सवाल, तो मुझे लग रहा है मोस्ट प्रॉब्ली किशोर कुमार जैना के बारे में पूछा जाएगा कि हाल ही में संपन्न एशियन गेम्स में पुरुष जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में किसने रजत पदक जीता है, किस भारतीय ने रजत पदक जीता है। तो आपका आंसर होगा किशोर कुमार जाना, क्योंकि नीरज चोपड़ा सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि एवरीबडी नोज, कि इंस्टाग्राम खोलो उस दिन जब ये पदक जीते थे तो इंस्टाग्राम खोलो तो नीरज चोपड़ा, ट्विटर खोलो तो नीरज चोपड़ा, यूट्यूब खोलो तो नीरज चोपड़ा, तो एवरीबडी नोज अबाउट नीरज चोपड़ा। तो जब कोई चीज़ नॉर्मल हो जाती है तो एग्जाम में अमूमन वो चीज़ नहीं पूछी जाती, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो। एग्जाम में वो चीज़ पूछी जाती है जो आपकी आंखों के सामने होती है और आप उसे इग्नोर करने का कोशिश करते हो। करंट अफेयर्स में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कम से कम, ठीक है, जो आपकी आंखों के सामने हो और आप इग्नोर कर रहे हो उनको, ठीक है। तो किशोर कुमार जैना ने जीता है रजत पदक, याद रखेंगे इसे। चलिए
भारत में इस साल जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, उसका आयोजन किया जाना है। 14 सितंबर से शुरू होगा मुकाबले और 19 नवंबर को, जो है 20 नवंबर को फाइनल खेला जाना है। ठीक है, तो जो आईसीसी है वो बहुत सारे स्तरों पर तैयारी करती है क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी का लक्ष्य है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फेयर तरीके से वर्ल्ड कप हो, ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष तरीके से वर्ल्ड कप हो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग वर्ल्ड कप को देखें। ठीक है, जिससे क्रिकेट जो है बहुत दूर दूर तक पहुँचे। तो इसी क्रम में जो आईसीसी है ना, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो अपॉइंट करती है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो एक नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है और एक ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। ठीक है, नेशनल ब्रांड एम्बेसडर वो होता है जो देश भर में, जिस देश में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है उस देश में लोगों को वर्ल्ड कप देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर वो होता है जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं और वो पूरी दुनिया के लोगों को वर्ल्ड कप देखने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में किस पर्सन को आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2030 के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को आईसीसी द्वारा पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किया नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है शाहरुख खान। शाहरुख खान, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और किस पर्सन को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है इनके द्वारा, आईसीसी के द्वारा? ठीक है, वो भी जान लेते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को पुरुष वर्ल्ड कप 2023 के लिए आईसीसी द्वारा ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये पर्सन है हमारे, मतलब जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को
आईसीसी के द्वारा पुरुष वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में होने वाला है ना, का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए चलिए नेक्स्ट, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 19। ठीक है, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप चैंपियनशिप 2023 और अंडर 19। ठीक है, तीन चीज़ें हमें इसके बारे में जाननी है। ठीक है, किसने होस्ट किया, कौन विनर रहा, कौन रनर रहा, रनर अप रहा। ठीक है, होस्ट विनर और रनर अप। ठीक है, तो इस बार जो सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप है 2023, इसको होस्ट किया काठमांडू नेपाल ने, नेपाल। ठीक है, विनर कौन रहा, इंडिया ऑफ कोर्स। ठीक है, और रनर अप कौन रहा, पाकिस्तान। पाकिस्तान को हराया हम लोगों ने, है ना, फाइनल्स में। ठीक है, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 अंडर 19। अंडर 19 याद रखना, बहुत सारी भी अंडर 16 भी हुई है, ठीक है, अंडर 19 भी हुई है। ठीक है, और एक जो मेन होती है ना, फुल फ्लेज्ड में मैच्योर लोग खेलते हैं, तो अंडर 19 का विनर कौन है, नेपाल है। विनर सॉरी अंडर 19 का होस्ट नेपाल है, विनर इंडिया है, रनर अप कौन है, पाकिस्तान है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। सैफ का मतलब आप जान लीजिए। ठीक है, कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे एग्जाम में, लेकिन ना आप लोग सोच रहे हो कि ये सैफ है क्या। ठीक है, तो एस फॉर साउथ, ए फॉर एशिया, एफ फॉर फुटबॉल, एफ फॉर फेडरेशन। साउथ साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने डिस्कस किया था, है ना, इस बार इंडिया में होने वाला है। तो जो दुनिया भर की जो टीमें हैं क्रिकेट में, जो क्वालिफाई हुई हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, वो क्रिकेट खेलने आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो सारी टीमें हैं अपने साथ अपना एक लंबा चौड़ा स्टाफ लेके आती हैं, जिसमें कोचेज होते हैं, बॉलिंग कोचेज, बैटिंग कोचेज, मेन कोचेज, फिजियो वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा जब ये वर्ल्ड कप खेलने आती है ना, तो एक स्पेशल एक्स्ट्रा पर्सन को लेके आती हैं। ठीक है,
जिसको वर्ल्ड कप का एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव रहा है होता है, या फिर जैसे क्रिकेट खेलने का एक लंबा चौड़ा अनुभव रहा होता है, ठीक है, और वो पर्सन को बनाया जाता है उस टीम का मेंटोर, है ना, फॉर द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में टीम किस स्ट्रेटजी के साथ उतरे, किस स्ट्रेटजी के साथ खेले, है ना, ये काम है उस मेंटोर का, ठीक है। तो सारी टीमों ने अपने मेंटोर बनाए, ठीक है। तो अफगानिस्तान की टीम ने भी अपना एक मेंटोर है जो वर्ल्ड कप के लिए अपॉइंट किया है, ठीक है। और ये पूर्व भारतीय खिलाड़ी रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि भाई अगर ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनते तो कम से कम इंडिया के पास एक एक्स्ट्रा वर्ल्ड कप होता, ठीक है। बहुत आक्रामक रुचि के लिए जाने जाते थे, जाने जाते हैं ये पर्सन, ये क्रिकेटर। तो कौन है ये एक्स क्रिकेटर जिनको अफगानिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपना मेंटर चुना है, ठीक है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को वर्ल्ड कप 2023 के लिए अफगानिस्तान अफगानिस्तान टीम का मेंटर मेंटर नियुक्त किया गया है। मेंटर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इन खिलाड़ी का नाम है अजय जडेजा, इंडिया के ओपनर थे ये, है ना, और काफ़ी आक्रामक खेलते थे। मैच फिक्सिंग के आरोपों में अगर नहीं फंसते तो सचिन तेंदुलकर की जगह शायद यही कप्तान होते, ठीक है। तो इन्हीं को बनाया गया है वर्ल्ड कप 2023 के लिए अफगानिस्तान टीम का मेंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एशियन गेम्स में जो मेंस जेवलिन थ्रो है उसमें दो पदक आए, ठीक है। गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने, सिल्वर जीता किसने, किशोर कुमार जैना ने। इस बार महिला जो वर्ग है उसने भी जेवलिन थ्रो में क्या है, क्या जीता है, एक पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। क्या नाम है उन एथलीट का जिन्होंने जेवलिन थ्रो में, है ना, स्वर्ण पदक जीता है महिला वर्ग में। हाल ही में किस महिला एथलीट ने एशियन गेम्स की जेबलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो इनका नाम है अन्नू रानी, अन्नू रानी ने स्वर्ण पदक जीता है जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप।
चलिए चलिए, इस बार एशियन गेम्स में शॉट पुट में भी गोल्ड आया, तो कौन है वो एथलीट जिन्होंने एशियन गेम्स में शॉट पुट प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है? किस भारतीय एथलीट ने एथलीट ने एशियन गेम्स की एशियन गेम 2023 की शॉटपुट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और इनका नाम है तजिंदर पाल सिंह तूर। पाल सिंह तूर, ठीक है, तजिंदर पाल तूर। शॉटपुट आप सभी जानते होंगे, गोला फेंक, गोला जो फेंका जाता है ना, उसी को शॉटपुट बोलते हैं। तो शॉटपुट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तजेंद्र पाल सिंह तूर ने जीता है, ठीक है। एशियन गेम्स में 5,000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर की रेस में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। किस भारतीय एथलीट ने किस भारतीय एथलीट ने एशियन गेम्स दो हजार तेईस की 5,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्या नाम है इन एथलीट का? एथलीट का नाम है पारुल चौधरी। पारुल चौधरी, पारुल चौधरी, ठीक है, पारुल चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट, 3,000 मीटर रेस में किस पर्सन ने जीता है? स्टीपल चेज में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2023 की 3,000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है अविनाश
अविनाश सावले ने जो एशियन गेम्स की 3000 मीटर दौड़ स्टीपल चेज है उसमें क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। स्टीपल चेज मतलब क्या है, आपने देखा होगा जो रनिंग रनिंग करने वाला ग्राउंड होता है उसमें बीच में है ना कुछ ऑब्स्टिकल्स बना दी जाती, कूद कूद के जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी रेस को क्या कहा जाता है, स्टीपल चेज बोला जाता है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलो नेक्स्ट, हाल ही में जो एथलीट ने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियन गेम्स एशियन गेम्स 2023 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और इनका नाम है पलक गुलिया। पलक गुलिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक और मेडल आया शूटिंग में, ठीक है, 50 मीटर एयर राइफल में, ठीक, किसने जीता है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियन गेम्स गेम्स 2023 की शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और इनका नाम है सिफत कौर सामरा। सिफत कौर सामरा, ठीक है।
अमृतसर की रहने वाली है, इन्होंने जीता है शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल। ठीक है, चलिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कह सकते हो कि पत्रकारों की आवाज़ उठाने के लिए एक मंच है, ठीक है, और या फिर कह सकते हो पत्रकारों की एक यूनियन है। ठीक है, तो इसको लीड करता है एक चेयरमैन जिसको चुना जाता है वोटिंग के माध्यम से। तो अभी हाल ही में किस पर्सन को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है वो नियुक्त किया गया? ठीक है, हाल ही में किस व्यक्ति को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इनका नाम है मिस्टर KN शांत। ठीक है, KN शांत को है ना नियुक्त किया गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए सर। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस पर्सन को बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ? हाल ही में किस व्यक्ति को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? किया गया ठीक है, और इनका इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीवास्तव। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्री निवासन, जनरल रघु श्रीनिवासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे ये कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। ठीक है, 29 सितंबर को इस डे को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। तो ये रहा आपका 19 से लेके 5 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इसको। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।